नमस्कार, मेरा नाम संजय बल्ला है और मैं द वे वी वर नोएडा फार्म से हूं और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक नया पहलू ऑर्गेनिक फार्मिंग का, बुलॉक प्लोइंग, बैलों से खेती, जो अभी तक किसी ने पहले थी और अब छूट गई है और इसका महत्व लोग भूल गए हैं। अगर पीछे आप देख रहे हैं हमारे खेत के अंदर दो बैल से हम खेती कर रहे हैं, जोत रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया तो ये है कि आप फील कर रहे हैं कि पीछे कोई ट्रैक्टर की आवाज़ नहीं है, कोई डीजल कंजम्पशन नहीं हो रही, कोई डीजल पोल्यूशन नहीं हो रही, कोई साउंड पोल्यूशन नहीं हो रहा। एक पहलू ये है जिसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। दूसरा पहलू आपका कि इससे आपकी जो जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर है, वो कॉम्पैक्ट नहीं होते। ट्रैक्टर से ये कॉम्पैक्ट होता था जीवाणु, और जीवाणु कम हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो दैट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दी सॉइल, ऑन द प्लांट। तो ये बहुत ज़रूरी है सॉइल हेल्थ के लिए कि आप बैलों से खेती करें, उसके जीवाणु को बढ़ावा दें, क्योंकि जब बैल चलता है तो साथ में मल और मूत्र भी गिरता है, डंग एंड यूरिन गिरता है, और साथ में एरिएशन भी होती है, और इसका जो प्लॉ है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 inches डीपर देन द ट्रैक्टर्स प्लॉइंग है। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। बस हमारे को थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा सा पैशन होना चाहिए, थोड़ा सा जुनून होना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपके सॉइल में एकदम कमाल हो जाएगा जब इसमें से जो वेजिटेबल्स या फॉडर या कुछ भी जो निकलेगा उसका जो नरिशमेंट वैल्यू है वो डेफिनेटली हायर होएगा। आप इसका टेस्ट करवा सकते हैं, एंड यही प्रार्थना है कि आप इसको शेयर करिए, आप लाइक करिए, और आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क मी, जस्ट राइट ऑन द कमेंट्स एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू, धन्यवाद।